तो आज की ऐप है ओपन टॉक। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और सर्च करते हैं ओपन टॉक। तो ये बेसिकली ऐप जो है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए होती है। मैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये देख रहे हैं हम, ओपन टॉक ऐप आ रही है और इसको अगर हम देखते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट्स ये हैं। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना रखा है इसका, आपको क्या लगता है भैया? हाँ, बहुत ही अच्छी ऐप है ये और मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ अपनी हॉबीज़ और अलग अलग तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए। लोगों से बात करते हैं हम रैंडम कहीं भी। और इस पे काफ़ी जेन्युइन क्राउड आता है, तो आप डरिएगा मत कि कोई आपको गालियाँ देगा या वो होगा। तो उसमें रेटिंग होती है, एक रेटिंग से तो जेन्युइन क्राउड आता है। तो इसके 4.4 रेटिंग है और 100,000 डाउनलोड्स हैं, तो काफ़ी अच्छी ऐप है। तो अब चलो देखते हैं हम ओपन टॉक को। तो अब ओपन टॉक चलाई मैंने, अब इसमें ये स्क्रीन आई है होम स्क्रीन। अब इसमें जो सबसे ऊपर ये जो हेडर है, इसमें आपकी प्रोफाइल की फ़ोटो है और इसमें आप अपनी प्रोफाइल के लेवल्स चेक कर सकते हो, आपके लेवल्स कितने हैं। लेवल्स में आपको मिलेगा कि आपको कितनी कॉल्स आपने करी है और पॉइंट्स कितने हैं आपके। तो मैंने अभी तक लेवल 3 तक पहुँचा हूँ, तो मेरे 50 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स से कुछ मिलता है या नहीं ये मेरे को नहीं पता अभी, तो ये देखेंगे हम बाद में। और इसके बाद मेरे पास, मैंने 15 ओपन टॉक्स करी है, ये कुछ डेटा है उसका। 85 मिनट्स बात करी है मैंने और मेरे को लोगों ने रेट कैसे किया हुआ है वो भी है इसमें। जैसे कि मेरे को रेट किया हुआ है कि 25% लोगों ने हेल्पफुल बताया है, 50% लोगों ने ग्रेट एटीट्यूड बताया है। और इसमें मेरी इंग्लिश जो है वो 7 पॉइंट्स मेरे रेट किए गए हैं लोगों ने। तो आइए और अब आगे हम देखते हैं कि होम पे जाके किसी से बात करने का कैसे बात करते हैं। तो इसमें एक हेडर में ये एक्सप्लोर का ऑप्शन है, अगर इसमें आपने सर्कल्स ऐड कर सकते हो। सर्कल्स का क्या सिस्टम है कि आपने जैसे किसी सर्कल को ज्वाइन करना है तो आप देखेंगे कि आप सर्च करेंगे कि आपको किस फील्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल मेरे को टेक्नोलॉजी के सर्कल को ज्वाइन करना है, तो ये टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स आ गए। अब फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड डेवलपर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, तो इसमें मेरे को किस टॉपिक के बारे में बात करनी है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये प्री सिलेक्टेड टॉपिक कुछ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट। अगर मेरे को इसके बारे में बात नहीं करनी तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो ये हट जाएगा। फिर मेरे को जो जिनके टॉपिक्स में बारे में बात करनी है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बात करनी है आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में, तो आर्ट्स एंड कल्चर में सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो आ जाएगा। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो सक्सेसफुली मेरे एंड्रॉयड डेवलपर्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने, और जो एक्टिव मेंबर्स हैं इस ग्रुप सर्कल के, उनके साथ मैं अपनी एक टॉक शेड्यूल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिस्टर डेवलपर के साथ टॉक शेड्यूल करना चाहता हूँ, तो मिस्टर डेवलपर के साथ मेरी टॉक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ओपन टॉक सर्वर से। तो ये टॉक स्टेटस, ये जो बात करने में इंटरेस्टेड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड है, और इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में वो बात कर सकते हैं। तो यूज़र ने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वो बिज़ी था इस मोमेंट पे। तो अब हम देखते हैं कि अब हम एक्सप्लोर में जाते हैं फिर से और एक कैरियर एंड वर्क के बारे में या जनरल कन्वर्सेशन के बारे में बात करते हैं एक रैंडम स्ट्रेंजर से। तो आइए हम बात करते हैं, हम देखते हैं कैसे वो कनेक्ट करते हैं हमें। अभी वो सर्च कर रहे हैं, तो एक राजीव अरविंद नाम से इन्होंने ढूंढा है, तमिलनाडु इंडिया में। हेलो हेलो राजीव जी, तो लगता है कि ये कॉल डिस्कनेक्ट सी हो गई है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, बट इसका अच्छा नेटवर्क आता है, तो इसको कर देते हैं बैड कनेक्शन, ये रेट कर सकते हैं हम इसमें। तो ये सबमिट कर दिया मैंने, अब ये दोबारा पार्टनर ढूंढेगा और हमें नहीं बात करनी अभी किसी से। तो अभी तो इसमें मोर का ऑप्शन भी है, मोर में नोटिफिकेशंस हैं, इसमें नोटिफिकेशंस हमारे अभी कुछ नहीं है। फिर एक्टिविटी लॉग आप चेक कर सकते हो, आपने जिस जिससे बात करी है, जिस भी बंदे से, और जिसने भी आपको थम्स अप दिया है और कुछ भी रेटिंग दी है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद आप रेफर भी कर सकते हो किसी को और क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो उससे, ये आ गया। फिर आप सेटिंग्स में जाके और लैंग्वेजेस अपनी चेंज कर सकते हो, रिंगटोन चेंज कर सकते, रिंगटोन ऑन ऑफ कर सकते हो, फिर प्राइवेसी पॉलिसी है। तो दोस्तों ये थी हमारी ओपन टॉक ऐप, और अच्छा लगा। अगली ऐप के लिए प्लीज़ कमेंट करें कि कौन सी ऐप हमें रिव्यू करनी चाहिए।